आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दिनेश रियल स्टेट कंपनी में काम किया करता था। उसके साथ उसकी सेक्रेटरी रिया भी उसके साथ काम किया करती थी। दिनेश का असिस्टेंट मनीष भी दिनेश के साथ काम पर लगा हुआ था। एक बार की बात है कि दिनेश के पास एक बड़ा प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलता है। कंपनी की तरफ से उन्हें पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर उसकी जगह नई बिल्डिंग बनाने का मौका मिलता है। कंपनी के सारे वर्कर उस बिल्डिंग को तोड़ने में लगा दिए, लेकिन जब तक दिनेश उस बिल्डिंग को देख नहीं लेता तब तक उस बिल्डिंग को कोई वर्कर हाथ भी नहीं लगाएगा, ऐसा कंपनी का कहना था। परंतु दिनेश के पास बिल्डिंग को तोड़ने का समय नहीं था, इसलिए वह अपना असिस्टेंट मनीष को बिल्डिंग देखने के लिए भेजता है। मनीष रिया से उस बिल्डिंग के बारे में पूछता है, तब रिया बताती है कि यह बिल्डिंग बहुत पुरानी है और यहाँ पर रात होने पर भूतों का साया मंडराने लगता है। इसीलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप रात होने से पहले उस बिल्डिंग को देखकर अपने घर चले आइएगा। मनीष उसकी बातों को ज़्यादा गहराई में नहीं लेता है और बिल्डिंग देखने के लिए निकल पड़ता है। दोपहर का समय था और मनीष उस बिल्डिंग के सामने पहुंच जाता है। वह बिल्डिंग में सभी वर्कर मनीष का इंतजार करते हैं और मनीष से परमिशन मिलने के इंतजार में बैठे होते हैं। मनीष वर्करों से कहता है कि जब तक मैं इस बिल्डिंग को पूरी तरह से निरीक्षण नहीं कर लेता हूं, तब तक आप में से कोई भी इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए आगे नहीं आएगा। फिर क्या था, देखते ही देखते मनीष उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। मनीष उस बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट में पहुंच जाता है। वहां उस बेसमेंट की दीवार बहुत बड़ी होती है और तभी मनीष को ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। वह पीछे पलट कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं दिखाई पड़ता है। इसके बाद मनीष आगे बढ़ता है तो वहां उसे एक कमरा नजर आता है। उस कमरे में बहुत सी धूल मिट्टी जमा हो चुकी थी, उसकी छत भी टूट रही थी। मनीष जैसे ही उस कमरे के अंदर घुसता है तो कमरे का दरवाजा अचानक से गायब हो जाता है और मनीष उस कमरे में बंद हो जाता है। अब उस कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है। फिर मनीष अपने मोबाइल की लाइट को जलाकर वह चारों तरफ देखता है। वह जैसे ही लाइट की रोशनी दीवार पर करता है कि अचानक से उसे वहां एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है, मानो वह औरत उससे कुछ कह रही हो। अचानक से वह औरत एकदम छोटे बच्चे में बदल जाती है। इतना देखकर मनीष वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर बहुत ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से मनीष वहां से भाग नहीं पाता। लेकिन थोड़ी देर में आत्मा गायब हो जाती है और फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। उस कमरे में दरवाजा भी आ जाता है। मनीष उस कमरे से बाहर निकलता है और बाहर की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से वहां पर एक बुढ़ा आदमी आ जाता है। यह सब देखकर मनीष बहुत डर जाता है। उस बिल्डिंग के पास में एक कुआं होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे इस कुएं से कोई उसे आवाज लगा रहा है। वह उस कुएं के पास जाता है और नीचे झुककर देखता है तो नीचे उसे उसी बच्चे की लाश नजर आती है, जो बच्चा अभी थोड़ी देर पहले उसने कमरे में देखा था। वह जैसे उस बच्चे को निकालने के लिए हाथ नीचे करता है, तभी उसका हाथ कोई पकड़कर नीचे खींच लेता है और वह कुएं में धड़ाम से गिर जाता है। इस तरह से मनीष की उसी कुएं में मौत हो जाती है। सभी वर्कर मनीष के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन शाम से रात हो जाती है, पर मनीष उस बिल्डिंग से बहुत
देर तक बाहर नहीं आता है। सभी वर्कर अपने अपने घर चले जाते हैं। उन्हें भी रात होने का डर सताता है और इसी वजह से सभी वर्कर वहाँ से चले जाते हैं। इधर दिनेश और रिया को लगता है कि मनीष बिल्डिंग देखकर अपने घर चला गया होगा, इसलिए मनीष के बारे में वह दोनों ज़्यादा कुछ नहीं सोचते हैं। लेकिन अगली सुबह वर्करों का मालिक सुभाष दिनेश को फ़ोन करके बताता है कि मनीष सर कल रात से इस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकले और ना ही वह अपने घर पहुँचे, तो आप यहाँ पर आए और हमें बिल्डिंग तोड़ने की परमिशन दे। दिनेश के पास जब यह खबर पहुँचती है तो वह हक्का बक्का रह जाता है। साथ में रिया को लगता है ज़रूर भूतों ने मनीष पर हमला किया होगा, मैंने मनीष को आगाह किया था। दिनेश वहाँ पर आकर वर्करों को समझाता है कि जब तक मेरा मनीष वापस नहीं आ जाता तब तक आप लोग इस बिल्डिंग को नहीं तोड़ोगे। इस तरह से बिल्डिंग टूटने का काम बंद हो जाता है और उसकी जगह एक नया काम मनीष को ढूंढने का काम शुरू हो जाता है। दिनेश पूरी बिल्डिंग का निरीक्षण करता है और वहाँ उसे मनीष का कोई आता पता नहीं दिखाई पड़ता है। थक हार करके दिनेश पुलिस में कंप्लेन करता है, लेकिन पुलिस भी इस काम को अधूरा ही छोड़ देती है क्योंकि मनीष उनके रडार से बहुत दूर जा चुका था और पुलिस को कोई सबूत नहीं मिले और वह इस केस को रफा दफा कर देती है। रिया दिनेश को बताती है कि मैं इस बिल्डिंग के बारे में जानती हूँ, यहाँ पर रात होने पर भूतों का साया मंडराने लगता है। मुझे तो ऐसा ही कुछ लग रहा है कि मनीष को भूतों ने पकड़ लिया होगा। इससे पहले भी बहुत से लोग इस बिल्डिंग के नज़दीक आने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका भी कुछ नामो निशान नहीं मिलता है। लेकिन दिनेश मनीष को अपना दोस्त मानता था तो इसलिए वह उसे हर कीमत पर ढूंढना चाहता था। इतने में रिया ने पीछे से टोक दिया और मना करती रही, सर आप बिल्डिंग के अंदर ना जाए, यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है, मेरी मानो तो आप यहाँ से चलिए। बिल्डिंग के अंदर ज़रूर जाऊँगा, वह रिया से कह देता है कि तुमको अगर जाना है तो जाओ, मैं अपने दोस्त को ढूंढ कर ज़रूर लाऊँगा। दिनेश इतना कहकर बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। मनीष के लापता हो जाने के बाद दिनेश इस बिल्डिंग का निरीक्षण करने के लिए अंदर जाता है। मनीष के लापता हो जाने के बाद दिनेश इस बिल्डिंग का निरीक्षण करने के लिए अंदर जाता है। दिनेश भी उसी बेसमेंट में पहुंचता है और वहां पर उसे वही बुड्ढा मिलता है। वह बुड्ढा दिनेश के पीछे पड़ जाता है, उसके डर से दिनेश आगे भागता है, बुड्ढा पीछे पीछे भागता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वह बुड्ढा एकदम धुआं में परिवर्तित हो जाता है और दिनेश के ऊपर धुआं बनकर गिर जाता है। अब दिनेश समझता है कि मनीष के साथ में भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। वह उस कमरे में जाता है और वहां पर फिर से वही महिला दिखाई देती है, साथ में उसका लड़का उसके पास खड़ा होता है। दिनेश किसी तरह से अपनी जान बचाकर उस कमरे से निकलता है। वह मनीष को बहुत ढूंढता है लेकिन मनीष का कुछ पता नहीं चल पाता है। तभी उसे दूर वही वाला कुआं नजर आता है और वो कुएं की तरफ जैसे ही बढ़ता है तभी उसे पीछे से मनीष के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वह पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ मनीष खड़ा मिलता है, लेकिन जैसे ही दिनेश मनीष की तरफ हाथ बढ़ाता है वह मनीष तुरंत पानी बनकर जमीन पर गिर जाता है। दिनेश इस बात को समझ ही नहीं पाता है कि आखिर मनीष के साथ क्या हुआ है। अभी तो मनीष मेरे सामने ही खड़ा था और वह एक पल में ही पानी बनकर कैसे गायब हो सकता है। दिनेश यह सब देखकर बहुत डर जाता है। वह जैसे ही कुएं की तरफ बढ़ता है उसे कुएं पर बहुत सारी महिलाएं दिखाई देती है। वे सभी महिलाएं दिनेश से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ भी यही हाल होगा। तभी दिनेश उन सभी महिलाओं से पूछता है कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इतनी सारी महिलाएं यहाँ पर भटक रही है
और मेरा दोस्त मनीष कहाँ गया। तभी वहाँ पर उन आत्माओं में से एक उसी लड़के की आत्मा दिनेश को दिखाई देती है। वह लड़का बताता है कि आज से कई साल पहले इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए बहुत से वर्कर यहाँ काम कर रहे थे। उन सभी वर्करों का मालिक मेरी माँ पर गलत नज़र डाले हुए था। उसने मेरी माँ के साथ गलत किया जिसमें मेरी माँ की मृत्यु हो गई और मैं यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरी माँ के मर जाने के बाद इस बिल्डिंग में मेरी माँ की आत्मा भटकने लगी और कुछ दिनों के बाद वह मालिक और सभी वर्करों के ऊपर बिल्डिंग का कुछ हिस्सा गिर गया जिसकी वजह से इतनी सारी महिलाएं यहाँ पर भटक रही है और उनमें वर्करों का मालिक भी दबकर मर गया। रही बात तुम्हारे मनीष की, तो कल उन्होंने यहाँ पर जो कुछ भी देखा उससे वह बहुत डर गया था और उसकी भी हत्या इस कुएं में गिरकर हो गई और मेरी माँ मुझे भी अपने साथ इस कुएं में खींच कर ले गई। तभी से हम सब यहाँ भटक रहे हैं। इतने में वहाँ पर रिया आ जाती है और दिनेश पुलिस की मदद लेकर के उस कुएं में से मनीष की डेड बॉडी को बाहर निकाल लेता है। उसके साथ साथ उस लड़के की बॉडी और उसकी माँ की भी डेड बॉडी बाहर निकाल ली जाती है। उनको पूरे विधि विधान के साथ जलाया जाता है। ऐसा करने से उस बिल्डिंग से आत्माओं का नामो निशान मिट जाता है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इससे भी डरावनी कहानी सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसमें से एक क्लिक कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।